नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हर साल हम ढेरों स्टूडेंट्स को कोटा में अपने सपनों को उड़ान देने के तनाव से हारते हुए देख रहे हैं। ये सभी बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन इनमें एक बात कॉमन रहती है, वो है अकेलेपन में बेमन के मिशन को ढोने की मजबूरी। तो क्या कोचिंग के लिए कोटा भेजना ज़रूरी है? आइए इस पर विचार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कोटा जो है हमारी कमियां दूर करता है। कोचिंग हब बन चुकी इस जगह से हर साल बहुत सारे बच्चे आईआईटी में जगह पाते हैं। वहां के प्रमुख कोचिंग सेंटर रेजोनेंस के फाउंडर आर के वर्मा कहते हैं कि आईआईटी और मेडिकल एग्ज़ाम में सीटों और एग्ज़ाम देने वाले बच्चों का अनुपात ही स्टूडेंट्स के लिए टेंशन की सबसे बड़ी वजह है। इतनी कम सीटों के लिए फाइट के लिए टेंशन तो लेनी ही पड़ेगी। जो टेंशन ले सकता है वही देश के बेहतरीन कॉलेजों में पहुंच सकता है। इसके लिए कोचिंग को दोष देना ठीक नहीं है, लेकिन असली बात यह है कि मासूम जान भारी प्लान को सहन करती है। कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी की बात करते ही जो चेहरे सामने आते हैं वो 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे। कोटा पहुंचने के बाद इन बच्चों पर घर से दूर होने के भावुक अनुभव के साथ पढ़ाई का दोहरा दबाव भी बढ़ जाता है। कोचिंग सेंटर एक खास पैकेज के जरिए 10वीं के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ 11वीं 12वीं का एग्ज़ाम लेने की सुविधा भी पैकेज में देते हैं। ये बड़ी कोचिंग और स्कूल की आपसी सहमति का खेल है। कोचिंग के जरिए कॉलेज में एडमिशन पाने वाले बच्चों का कॉलेज बिना क्लास जाए भी एग्ज़ाम देने का मौका देते हैं। कई कोचिंग सेंटर तो बाकायदा कॉलेज भी चला रहे हैं। प्लान परफेक्ट है, बच्चे एक तरफ स्कूल की पढ़ाई भी कर लें और साथ में कोचिंग करके बढ़िया कॉलेज में सेट हो जाएंगे। बस दिक्कत ये है कि ये प्लान जिसके भविष्य के बारे में बनाया जा रहा है उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। आलीशान कोचिंग सेंटरों में हर फ्लोर के मोड़ पर क्लास में मिलने वाले मॉडल क्वेश्चन सेट को हल करने के लिए टीचर हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा गुमसुम या मायूस है तो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं। दिखाने के लिए हर कोचिंग ने साइकेट्रिक सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट की टाइमिंग क्या है इसका पता करना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर आपका बच्चा वहाँ है तो आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? पहले तो ये चेक करें कि बच्चा डिप्रेशन में तो नहीं है। इसके लिए इन साइन को आपको देखना पड़ेगा। आमतौर पर एक्टिव बच्चा भी सुस्त नज़र आने लगता है। बच्चा हमेशा खोया खोया रहता है, बातों को ध्यान से नहीं सुनता, खाना काफ़ी कम या बहुत ज़्यादा खाने लगता है, किसी से मिलना और बात नहीं करना चाहता और ज़्यादा वक्त सोकर या टीवी कंप्यूटर पर ही बिताना चाहता है। अक्सर नींद ना आने की शिकायत करता है, बेचैनी महसूस करता है, मूड स्विंग की समस्या भी होती है, बिना किसी कारण के रोने का मन करता है। कई बार तो ये रोना घंटों तक चलता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो अब क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जान है तो जहान है। साइकेट्रिस्ट का मानना है कि घर से बाहर भेजे जाने की वजह से डिप्रेशन के शिकार बच्चों में सुसाइड की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके बच्चे की मनोदशा समझकर एक्शन लेना चाहिए। अगर बच्चा घर वापस आने को कह रहा है तो उसे डांटने फटकारने के बजाय उसकी बात सुने और फिर फैसला करें। बच्चे को भरोसा दिलाएं कि अगर मन ना लगे तो वो कभी भी घर वापस आ सकता है। ऐसे में वह खुद को फंसा हुआ नहीं महसूस करेगा और टेंशन में आने पर घर वापसी का विकल्प चुन सकेगा। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ी सी वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी और इससे आप अपने बच्चे को डिप्रेशन और उससे अलग आने वाली दिक्कतों से बचा पाएंगे। और एक और बात का ध्यान रखें कि अपने बच्चे पे उम्मीदें तो ज़रूर रखें, मगर उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा दबाव नहीं होना चाहिए। उसको थोड़ा सा फ्री छोड़ दें। सभी अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे सपने और ख्वाहिशें हमारे अनुभव तक ही सीमित हैं। सच्चाई ये है कि हम ये सोच भी नहीं सकते कि हमारा बच्चा हमारे सोच से कई गुना ज़्यादा भी कुछ हासिल कर सकता है। थैंक यू।